गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ माई टॉपिक इज़ अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम। अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि CAM क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ द टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ ब्रॉड रेंज ऑफ हीलिंग फिलोसफीज, अप्रोचेज एंड थेरेपीज दैट फोकस ऑन द होल पर्सन, इंक्लूडिंग बायोसाइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। इसका मतलब होता है CAM एक ऐसी टर्म होती है जिसका यूज़ हम हीलिंग फिलोसफीज और डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ का यूज़ करके किसी भी पर्सन के हेल्थ के एस्पेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो जो CAM है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ जैसे योगा, मेडिटेशन, एनर्जी थेरेपी, हर्बल मेडिसिन, इन सब का यूज़ करके किसी भी पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती है उनको CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ CAM। इसका फर्स्ट टाइप है अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड टाइप है बॉडी माइंड इंटरवेंशन। इसमें डांस, प्रेयर, मेडिटेशन, योगा, हिप्नोटिस, इन सब को इंक्लूड करते हैं। थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज़। इसमें हर्बल मेडिसिंस, न्यूट्रिशनल थेरेपी, होम्योबॉटनिकल थेरेपी, इन सबको इंक्लूड करते हैं। फोर्थ है मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड थेरेपीज़। इसमें हम बॉडी मूवमेंट थेरेपीज़, मसाज, इन सबको इंक्लूड करते हैं। एंड लास्ट है एनर्जी थेरेपी, जिसमें हम टच थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी और लाइट थेरेपी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसका फर्स्ट टाइप, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम। अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम आर एंटायर सिस्टम ऑफ हेल्थ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग TCM, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, दैट डेवलप सेपरेटली फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन। जो अल्टरनेटिव सिस्टम होता है वो हमारे पूरी हेल्थ का सिस्टम होता है। इसमें हम TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सबको इंक्लूड करते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेडिसिन से अलग डेवलप होते हैं। यहाँ पर कन्वेंशनल मेडिसिन का मतलब होता है जो ट्रेन नर्स या जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिनको स्टैंडर्ड ड्रग भी बोलते से सर्जरी, रेडिएशन, ये सब है वो कन्वेंशनल मेडिसिन में आता है। बट अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में ना तो रेडिएशन दी जाती है ना सर्जरी होती है। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट जैसे मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब का यूज़ किया जाता है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम। इस इमेज में बताया है कि अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में क्या क्या है, जैसे इसमें मेडिटेशन है, एक्यूपंचर है, मसाज थेरेपी है एंड हर्बल डाइट्स एंड मेडिसिंस है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट टाइप है आयुर्वेदा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द वर्ड आयुर्वेदा इज कम्पोज्ड ऑफ टू संस्कृत वर्ड, आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ। इसका मतलब है जो आयुर्वेदा है वो सबसे पुराना सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि संस्कृत के दो वर्ड से लिया गया है। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज ऑफ, किसी चीज़ का ज्ञान होना। सेकंड पॉइंट है आयुर्वेदा कंसिडर आर बॉडी कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, बाइल, फायर एंड कफ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसने बताया कि जो हमारी बॉडी होती है वो 5 तत्व से मिलकर बनी होती है, वाटर, फायर, एयर, बाइल एंड कफ। इसके अलावा आयुर्वेदा ने यह भी बताया कि हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो 3 जैविक विधियों के द्वारा पूरे होते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। जो वात होता है वो हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए होता है, जो पित्त होता है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ के लिए होता है, और जो कफ होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें जो वात होता है वो आकाश और वायु से मिलकर बना होता है, पित्त जो होता है वो फायर से मिलकर बना होता है, एंड जो लास्ट होता है कफ वो वाटर और अर्थ से मिलकर बना होता है। ये सब आयुर्वेदा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर गवर्न बाय 3 बायोलॉजिकल यूनिट। इसमें मैंने आपको यह पहले भी बता दिया है कि हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो 3 यूनिट से गवर्न होते हैं। फर्स्ट होता है वात, पित्त, कफ, जो मैंने आपको बता दिया है। इसका सेकेंड टाइप है होम्योपैथी। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज ऑरिजिनेटेड बाय जर्मन फिजिशियन डॉक्टर LFS। होम्योपैथी का जो सिस्टम होता है वो जर्मन फिजिशियन LFS ने दिया था। होम्योपैथी वर्ड जो होता है वो 2 वर्ड से डिराइव्ड होता है,
होम्योस यानी सिमिलियर और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। नेक्स्ट है होम्योपैथी रेमिडीज आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड एंड डिजॉल्व इन वाटर एंड एल्कोहल। जो होम्योपैथी के उत्पाद होते हैं, जो रेमिडीज होते हैं, उनको प्लांट से या एनिमल प्रोडक्ट से हम लेते हैं, जिनको पहले क्रश किया जाता है, उनको चूरा किया जाता है और वाटर और एल्कोहल के अंदर उनको मिलाया जाता है। उसको बाद में जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, जिसको लेने से पहले हमें शेक करना होता है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम जेल में भी ले सकते हैं या टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर इसके हम मेरिट्स की बात करेंगे तो मेरिट्स में हो जाएगा कि यह एलर्जीज के लिए यूज़ होता है, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन के लिए यूज़ होता है और किसी भी क्रोनिक इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। वैसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में जो मोस्ट होता है वो एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर होते हैं, तो मैं इसकी जगह एक्यूपंचर भी कर सकती थी, बट तो मैंने TCM को प्रिफर किया है। ओके, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो होती है वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की ब्रांच होती है। इट इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ हर्बल मेडिसिन, कपिंग थेरेपी, मसाज, एक्सरसाइज, एक्यूपंचर एट्सेट्रा। जो TCM होता है उसके अंदर हम कपिंग थेरेपी को इंक्लूड करते हैं। कपिंग थेरेपी का मतलब होता है, इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ स्पेशल कप्स होते हैं, उनको पेशेंट की स्किन पर रखते हैं, जिससे वहाँ की मसल्स लूज़ होती है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, बैक पेन डिक्रीज़ होता है और एंजाइटी और माइग्रेन्स भी रिलीव होता है। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग और नर्व डैमेज भी इंक्लूड है। ब्लीडिंग और नर्व डैमेज इसलिए क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर किया जाता है। एक्यूपंचर में बॉडी में छोटी छोटी निडल्स होती हैं, उनको इंसर्ट किया जाता है। अगर वो निडल्स गलत तरीके से लग गई तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और एक्यूप्रेशर में हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रेस किया जाता है। अगर वो ज़्यादा फोर्स के साथ लग जाएँ तो नर्व्स भी डैमेज हो सकती है, इसलिए इसके डीमेरिट में ब्लीडिंग और नर्व डैमेज को इंक्लूड किया गया है। ओके, इसके बाद में इसका लास्ट टाइप नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी यूजेस बॉडीज नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। इसका मतलब है हमारी बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ होती है किसी भी इन्फेक्शन से ट्रीट होने की, नेचुरोपैथी में उसको इंक्लूड किया जाता है किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए। इट यूजेस डाइट, हाइड्रोथेरेपी, हर्बल मेडिसिन टू रिटर्न द बॉडी टू अ स्टेट वेयर इट कैन हील इटसेल्फ। इसके अंदर हम डाइट को, हाइड्रोथेरेपी को, हाइड्रोथेरेपी मतलब थेरेपी या कोल्ड वाटर थेरेपी देते हैं, हर्बल मेडिसिन को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एक ऐसे स्टेट में जाए या ऐसे लेवल में जाए वहाँ पर वो अपने आप हील करना स्टार्ट करने लग जाए। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो उसमें हो जाएगा ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है और हमारे बॉडी फंक्शंस को भी अफेक्ट करती है। इसके बाद मैंने आपको CAM के नेक्स्ट टाइप्स भी बताए थे, जिसमें था माइंड बॉडी मेडिसिन, जिसमें हम मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस इनको इंक्लूड करते हैं। सेकंड था बायोलॉजिकल बेस्ड, जिसमें हम हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन को इंक्लूड करते हैं। थर्ड था बॉडी बेस्ड थेरेपी, जिसमें हम नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी को इंक्लूड करते हैं। एंड फोर्थ था एनर्जी बेस्ड थेरेपीज, जिसमें हम क्रिस्टल हीलिंग, एक्यूपंचर, रेकी हीलिंग्स इन सबको इंक्लूड करते हैं। ये जितनी भी थेरेपीज़ है CAM में सारी एक दूसरे से कोरिलेट करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम के टाइप्स नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, वो सब इसमें भी इंक्लूड है, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ओके, इसके बाद में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAM, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की क्या क्या विशेषताएँ होती है। फर्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूजेज CAM इन कंजक्शन विद बायोमेडिकल थेरेपी। इसका मतलब है कि जो लोग होते हैं वो CAM का यूज़ ज़्यादातर बायोमेडिकल थेरेपी के साथ करते हैं। बायोमेडिकल थेरेपी होती है किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो जो पर्सन्स होते हैं वो CAM का यूज़ बायोमेडिकल थेरेपी के साथ करते हैं। सेकंड होता है ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल यूजेस CAM, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, अमीर गरीब, जितने भी कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं वो CAM का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट है मेजोरिटी ऑफ साइकेट्रिक केसेस यूजेस CAM, ज़्यादातर जो साइकेट्रिक केसेस होते हैं उसमें हम CAM का यूज़ करते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है रीज़न फॉर यूजिंग CAM, हम CAM का यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट है डिससेटिस्फिकेशन विद कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ एक्सपेंसिव। इसमें जो पेशेंट होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से, मतलब सर्जरी, रेडिएशन, इनसे वो ट्रीटमेंट लेना प्रिफर नहीं करता क्योंकि वो महंगे भी होते हैं, इसलिए वो CAM का यूज़ करता है।
सेकंड है साइड इफ़ेक्ट विथ कन्वेंशनल मेडिकेशंस, जो हॉस्पिटल्स में हमें मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है या कन्वेंशनल मेडिसिन बोलते हैं हम उनको, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि CAM की जो मेडिसिन होती है उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उनके भी होते हैं बट वो कम होते हैं, इसलिए पेशेंट इसको ज़्यादा प्रेफर करता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है पेशेंट नीड फॉर मोर पर्सनल कंट्रोल ओवर हेल्थ। इसका मतलब है कि पेशेंट है उसको अपनी हेल्थ से ज़्यादा खुद पर पर्सनल कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वो थ्रू द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट के द्वारा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता था। ये था हमारा अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।